Hey guys, welcome to my new vlog. So guys, अभी हम आ चुके हैं मेरठ के मंदिर. अभी हम आ चुके हैं मेरठ शहर में. एक मंदिर है, बहुत फेमस मंदिर है. हम वहाँ जा रहे हैं. फिलहाल भाई हमारे साथ गाड़ी पे चल रहे हैं. Hey guys, तो ये वो मंदिर है जहाँ पे आज हम आए हैं घूमने. तो फिलहाल हर्ष है हमारे साथ और भाई दूसरे बड़े वाला. तो आज हम आए हैं इस मंदिर में घूमने. तो गाइस देखिए, यहाँ पे मास्क पहनना अलाउड है, तो इसलिए हम मास्क पहन के आए. ये देखिए, फिलहाल तो अभी हम यहाँ पे हम हाथ जोड़ रहे हैं. हाय, चाओ. ठीक है गाइस, आज हम आए हैं मेरठ शहर. मैं अपनी मौसी के यहाँ रहने आया हूँ. तो भाई के साथ फिलहाल आया हूँ मंदिर में अभी घूमने. चल दो, मेरा भाई अभी एक मतलब वृक्ष के चक्कर काट रहा है. देखते हैं अभी क्या क्या करते हैं आगे उसके बाद. तो गाइस ये हमारा हर्ष आगे चलता हुआ. देखते हैं अभी हम आपको कराते हैं मंदिर के दर्शन. तो गाइस यहाँ पे शहर वाली माता है, हम कराते हैं आपको मंदिर के दर्शन. जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी. जय माता दी. गाइस आप भी सब दर्शन कर लो मंदिर के, माता के. जय माता दी. लाल तुषार, हर्ष, हर्ष, जय माता दी. जय माता दी. बाबा से मिलने के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा. क्यों? भीड़ नहीं बोला मैंने, देख ली भीड़. हर्ष कहाँ रह गया? हर्ष आओ. तो गाइस फिलहाल तो अभी हम आए हैं मंदिर के अंदर. हाँ, आपको कहते हैं अंदर मंदिर के दर्शन. आओ. हरे हर हर महादेव, हर हर महादेव. आगे चलते हैं. यही लाइन है, लाइन तो यही है ना. तो गाइस हम यहाँ पे आए हैं फुल सिक्योरिटी के साथ. फोन लेकर आए हैं अंदर. देखते हैं क्या होता है आगे. चलते हैं आगे. परिवार गाइस आपको क्या नजारा है? क्या नजारा है? क्या नजारा है? वाकई वाकई जहर, वाकई जहर. गुड्डू
तू इधर है, मैं तो इधर ढूंढ रहा यार। कोई बात नहीं, मुझे इतनी बड़ी कोई दिक्कत नहीं। सीधा सीधा मिला है, सही है। तू सही खेल गया। गाइस आप सबने शिव जी के दर्शन कर लिए हैं और मैंने दर्शन कर लिया है, बहुत अच्छा फील हुआ। ऐसा हो नहीं सकता मैं आऊं और ये मुझे अपना कि मैंने देख लिया तेरे को, ऐसा कोई सिग्नल ना दे। तो गाइस फिलहाल तो अभी बंदर बहुत भीड़ हो रही है, बाकी अब देखते हैं भी आगे क्या चलते हैं, क्या क्या होता है आगे। सोमवार है और ये बहुत ही भव्य मंदिर है। ना छोड़ छोड़ कोई बात नहीं, नारायण जी। हाँ कोई बात, राधा कृष्णा। तो गाइस अब अभी हम इतना फालतू बोल नहीं रहे क्योंकि यहाँ पे बहुत पुलिस वाले हैं। आए फिर आओ, फिर बाहर चलते हैं या इधर परिक्रमा। अच्छा परिक्रमा करनी है। तो गाइस अब हम परिक्रमा कर रहे हैं राधा कृष्ण की। हाँ हम दिखाते हैं मंदिर, ये हमारा हर्ष चल रहा है क्या क्या। अरे वाह क्या फोटो है, वाह वाह। गाइस बाकी मंदिर बड़ा अच्छा है, अच्छा लगा अपने को मंदिर देख के, ये बड़ा अच्छा मंदिर है। वैसे आज मैं मेरठ आया हूँ अपनी मौसी के यहाँ, मंदिर का दर्शन बड़ा अच्छा है। हम तो वीडियो बना रहे हैं भाई, सबकी फोटो ले सकते हो, जरूर ले लेंगे फोटो। आओ चलो चलते हैं, फिर निकालो फ्रंट कैमरा। तो गाइस वीडियो कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। अभी एक और जगह बाकी है, वीडियो जगह बाकी और चलो आओ। वैसे भी गाइस वैसे आप एक बार कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी आपको, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। तो गाइस यहां पे बहुत शोर हो रहा है और यहां पे मतलब वीडियो बनाना अलाउड नहीं। हो सकता है आपको हमारी थोड़ी आवाज भी कम आ रही हो, पर लेकिन फिर हम कोशिश करेंगे काफी हम थोड़ा तेज बोल सके, क्योंकि गाइस यहां पे बहुत शोर हो रहा है हद से ज्यादा। बाकी अभी भाई हमें जहाँ ले जा रहा है वहाँ चलते हैं, देखते हैं वहाँ क्या होता है। अब आप सबको लेके चलता हूँ मैं काली माँ के मंदिर, जो मेरी सबसे प्रिय माँ है। आओ चलो चलते हैं। ये है ओगड़ बाबा का सबसे प्राचीन मंदिर, मैं आपको मंदिर कराता हूँ, मंदिर के बाहर के दर्शन। आइए ये है वो मंदिर बाहर से, ये देखिए मतलब कितना सुंदर मंदिर है। मेरठ आओ और इस मंदिर के दर्शन ना करो, केदारनाथ वाले फीलिंग है इसमें वाकई। मैं मंदिर भी बड़ा अच्छा है मंदिर है, अभी हम मंदिर से होकर आए हैं, बड़ी अच्छी फीलिंग हुई दिल को। ये है देखो सावन का मेला खास के साथ, रात हो चुकी है इसलिए आधे से ज्यादा हट गया है, नहीं तो शाम में आते तो बहुत ज्यादा था। यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती शाम के टाइम पे, खासकर मंडे के दिन, वो भी सावनों में। तो गाइस अब हम जा रहे हैं माँ काली के मंदिर, चलो लेके चलते हैं तुमको। चलिए गाइस और रास्ते में तुमको एक और के दर्शन कराते हैं, बजरंग बली। तो गाइस ये बजरंग बली का मंदिर है, ये देखिए इतने बड़े। ओ जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। तो गाइस अब हम हमारी सच्ची वो बहुत अच्छी माँ से मिलाने वाले हैं। गाइस हम आपको ले चलते हैं माँ काली के मंदिर, जो सबसे अच्छी माँ है दुनिया की। पहले की पहले तो उससे पहले तो लेकिन मैं ये बात कहूँगा, ये इसके हर्ष के बाद मेरे मुंह में चुभ रहे हैं सारे, इसे को पहले बाल नीचे करेगा, चलो नीचे कर बाल, अरे बाल नीचे कर मेरे मुंह में सारे बाल बिगड़ गए। हे गाइस तो गाइस अब हम आ चुके हैं माँ काली के मंदिर। तो गाइस ये हमारी सबसे अच्छी माँ है और हमारी दूसरी मतलब जिन्होंने हमें यहाँ पे धरती पे आए हैं वो भी हमारी सच्ची अच्छी माँ है। हम आपको कराते हैं मंदिर के दर्शन, आइए। हाँ आइए
हमारी सबसे अच्छी माँ है। मैं अपने यहाँ शूज़ काट लेता हूँ, आइए गाइस हम जाते हैं आगे। जय हो अम्बे माँ, दुर्गा माँ, काली माँ। ये सदर काली का मंदिर सबसे ज़्यादा प्राचीन है और ये उन पिंडों में से एक है जो कभी सती के घेरे थे। ये उन पिंडों में से एक है जो कभी सती के घेरे थे। अच्छा जी, एक पिंड यहाँ के विराजमान है जिसे सदर काली कहते हैं। गाइस वाकई ये एक बहुत प्राचीन मंदिर है, ये हमारा आज हो रहा है अभी। ये काली कलकत्ते वाली, ये काली हम दवाई मिल लिए। अब हम अपने थोड़े साथियों को और थोड़े फैमिली मेम्बर को बुला देते हैं माता से। है भाई तो बोल रहे हमारे फ्रेंड्स और माय फैमिली जो देख रही है वीडियो को वो सभी एंजॉय। तो गाइस अगर आप वहां पे आओगे तो माँ काली के जरूर दर्शन करके जाना। हमने प्रसाद ले लिया है गाइस, हर्ष ने प्रसाद ले लिया है। हर्ष आओ। क्यों चलना है बाहर? हर्ष गाइस ये मेरठ का घंटा घर है, देखो मेरठ का सबसे मशहूर घंटा घर है यहाँ पर। तो मेरठ का घंटा घर मेरठ का, हम जा रहे हैं घंटा घर के अंदर। ये नीचे से। अरे वाह क्या बात है। अब जो घंटा घर हमारे पीछे है, अभी हम घंटा घर से आगे थे, घंटा घर हमारे पीछे है, ये रहा घंटा घर। गाइस ये मेरठ का मशहूर सराफा बाजार है, फिलहाल तो अभी ये सब बंद बंद हो चुका है रात के टाइम पर, लेकिन कल को हम आपको यहाँ दिखाएंगे मॉर्निंग का समय। एक गाइस वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ एंड फैमिली के साथ। सो गाइस थैंक्स फॉर माय वाचिंग एंड बाय।